नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि हम इस वक्त एक ऐसी वबा से गुजर रहे हैं जिसके बारे में हर एक का ख्याल है कि ये वायरस जो है ये बहुत देर तक हमारी मौजूदगी में रह सकता है। अब अगर वायरस मौजूद है तो हमें भी जीना है, तो जीने के लिए क्या करना है? तो जीने के लिए यही करना है कि जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा तर्ज अमल है, अपना तर्ज अमल तब्दील करना है। तर्ज अमल को तब्दील करके हम जिंदा रह सकते हैं और अपने लिए हम खुशी का सामान जो है वो मुयस्सर रख सकते हैं। यानी जैसे कहा जाता है, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कीजिए, ये चीज़ें, ये हिदायत, इन पे अमल करके हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो 35,831 केसेस जो है जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, जिनमें से 27,372 केसेस रिकवर हुए हैं और इस तरह से हमारे पास 76.4% इसकी परसेंटेज है। क्या मजमूई सूरत हाल है रिकवरी के बारे में? कौन से ऐसे बीमार हैं जो रिकवर हो जाते हैं? रिकवरी के बाद जो नेगेटिव होते हैं, क्या खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव पेशेंट दोबारा पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है? और जो ये रिकवर पेशेंट्स हैं, इनके क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकती है? इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ होम आइसोलेशन इन जम्मू कश्मीर। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ये प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड चेस्ट मेडिसिन सीडी अस्पताल श्रीनगर है और नोडल ऑफिसर हैं कोविड मैनेजमेंट सीडी अस्पताल में। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर रफी अहमद जान साहब, जो चीफ ऑफ कोविड मैनेजमेंट सिक्किम में सोबरा और प्रोफेसर ऑफ इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन सिक्किम हैं। आपका भी हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम। हम आगाज करना चाहेंगे हम प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह साहब, चूंकि आगाज इफ्तिताही कलमात आपने सुने, कोविड-19 जो है वबा बहुत देर तक मौजूद रह सकता है, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई ऐसी हतमी गाइडलाइन नहीं है कि ये कब तक खत्म हो सकती है। तो इस वक्त जो हमारे पास रिकवरी रेट है, इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जब तक हमारे पास इस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, वो भी एक इफेक्टिव वैक्सीन, तब तक हमें इस वायरस के साथ जीना है। और जो भी हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है वो है एहतियात। जितना हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे उतना हम इस वायरस से सेफ रह सकते हैं और हमारा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें, क्योंकि जब अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो नेचुरल था हमारे पास ये कि हमारी जो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोग भी बाहर से आ रहे हैं, कंटैक्ट भी हमारा हो रहा है। और कुछ हद तक हमने देखा कि लोग जो एडवाइजरीज थी, हेल्थ एडवाइजरीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरीज थी, उस पर लोग अमल नहीं कर रहे थे पूरी तरीके से। तो ये तो नेचुरल सी बात थी कि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेप लिया है होम आइसोलेशन का, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि जो अस्पतालों में एक कंजेशन थी इन पेशेंट्स की, वो उन पर अस्पतालों पर लोड कम हुआ और हम उसकी वजह से उन पेशेंट्स को जिनको सही में हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत है, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वही पेशेंट्स अब अस्पताल में आ रहे हैं, तो हम उसकी वजह से उनको एक बेटर केयर। चूंकि आपने बात की होम आइसोलेशन के, होम आइसोलेशन के हवाले से हम बिल्कुल बाद में बात करेंगे, हम इस वक्त रिकवरी के हवाले से बात कर रहे हैं। आपसे तासर चाहेंगे प्रोफेसर रफ़ी अहमद जान साहब, चूंकि रिकवरी के हवाले से हमने इस वक्त बता दिया, तो आप किस नज़रिए से इस रिकवरी को देखते हैं और ये कौन से ऐसे बीमार हैं जो रिकवर हो सकते हैं? जैसे कि नवीद साहब ने आपको बताया है, रिकवरी उन पेशेंट्स में जहाँ होते हैं जो नौजवान पेशेंट, नौजवान लोग होते हैं, यंग पेशेंट्स, द रिकवरी इज़ फास्ट। जो ओल्ड पेशेंट्स हैं मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज, या उनको फ्यू आर उनके साथ कुछ कोमॉर्बिडिटीज होंगे लाइक
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल डिजीज, लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज, उनमें रिकवरी कम होती है, यानी कि उनमें चांसेस ऑफ रिकवरी कंपेयर एज कंपेयर टू यंग पेशेंट्स कम है, और जिनको और कोई बीमारी नहीं हो, जो सिर्फ कोविड बीमारी में वो तंदुरुस्त हैं, उनके साथ अगर उनको कंपेयर किया जाए तो उनकी रिकवरी रेट कम है। देखिए, तंदुरुस्त को इसकी हम वजाहत चाहेंगे, नवीन साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इन्होंने अभी ये डॉक्टर साहब ने फरमाया, प्रोफेसर रफी जान साहब ने, कि तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से शायद तंदुरुस्ती लाजमी नहीं है। आपकी नॉलेज में होगा कि रिसेंटली वो डॉक्टर शब्बीर अहमद जो सुंबल में रहते हैं उनकी भी डेथ हुई, वो भी तंदुरुस्त थे ज़ाहरी तौर। अब उस सिलसिले में आप ये बताइए कि ये जो रिकवरी है इंसान के जिस्म, चूंकि आप इसके माहिर हैं, तो कौन से ऐसे पेशेंट से क्या इंसान की बॉडी में होना चाहिए ताकि इंसान जो है अगर कोई इफेक्ट हो जाए इस वायरस से तो वो रिकवर हो जाए। देखिए, पहले हम रिकवरी रेट की बात जो आप कर रहे हैं, हम अगर ओवरऑल सिनेरियो लें कि कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स रिकवर होते हैं जी, अगर आप आलमी स्टैटिस्टिक्स लें तो हम देखते हैं कि अराउंड 80 या 80 से ज्यादा परसेंट हम देखते हैं माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं या एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनमें बीमारी की अलामत ही नहीं होते हैं। अब जो बाकी करीब 20% लोग ऐसे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि करीब सिर्फ 5% ऐसे मरीज होते हैं जिनको हमें इंटेंसिव केयर या आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से भी हम देखते हैं कि आलमी स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, ओवरऑल हमारी डेथ परसेंटेज, डेथ रेट जो है वो 3 से 4% के बीच में है, और अगर हम अपनी रियासत की बात करें हमारी भी डेथ रेट कंपेरेबल है उसके हिसाब से। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो हमारी करीब रिकवरी रेट 96% से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे भी हमारे पास ऐसे इफेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनकी एज ज्यादा थी, ये नहीं कि हम कहेंगे कि सिर्फ जवान इसमें रिकवर हुए, ज्यादा थी वो भी रिकवर हुए। नहीं, मैं तो उसी की वजह कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि हमारे ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे 96% पेशेंट्स रिकवर करेंगे। अब जो 3 to 4% जो डेथ रेट की हम बात करेंगे, उसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो किसी भी वजह से हो, वो एल्डरली हो, एज की वजह से हो, या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे किडनी की डिजीज़ हो, लिवर की डिजीज़ हो, हार्ट की डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, या कुछ ऐसे ड्रग्स पे हो जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, तो इनकी वजह से इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इनमें जो है ये इन्फेक्शन सीरियस। देखिए, आपने बिल्कुल नवीद साहब बिल्कुल एक अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इम्यूनिटी की तरफ आपने इशारा दे दिया, क्योंकि हमारे नासीन जो है या जो पेशेंट्स है, इम्यूनिटी की वजाहत जो है, ये इम्यूनिटी हम किस चीज़ को कहेंगे, प्रोफेसर रफ़ी साहब आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कर लीजिए, ताकि जानने वाले जो हैं या जो इफेक्टिव जो है उनकी नॉलेज में भी ये होगा कि ये इम्यूनिटी क्या होती है और इस इम्यूनिटी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। ये एक इम्यूनिटी जो है इंसान में, अल्लाह ताला ने एक खुद एक ताकत दी है, एक इम्यूनिटी इसी को कहेंगे जी, जो इन्फेक्शन के साथ लड़ती है जी। अब इसी में आ गया है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन एंड इम्यूनो कम, जैसे कि डॉक्टर नजीर साहब ने भी बोला, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स वो है जिनमें ये क्रॉनिक कंडीशंस है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, क्रॉनिक रीनल कंडीशन, डायबिटीज, दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, और या उनको कोई दूसरी मौलिक बीमारी हो, लाइक एड्स की तकलीफ हो, या पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो, दे आर लेस इम्यून पेशेंट्स। अब इनमें ज़्यादा चांसेस हैं इनकी कोविड बीमारी हो गई, तो इनको जो कुदरत का ये लड़ने का ताकत है वो कम होता है, और जो नौजवान पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट हैं, इनकी इम्यूनिटी यही है कि इनकी इम्यूनिटी दे बहुत अच्छी होती है। ओल्ड पीपल आर ऑलवेज, वेदर दे हैव अ डिजीज और नॉट, दे उनकी हमेशा इम्यूनिटी कम होती है। कहा जाता है कि गजाइयाँ ऐसी खाइए जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, गजा की उतनी इफेक्टिव इम्यूनिटी ये नहीं है गजा से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, इंसान जो है अच्छी से वेल बैलेंस्ड डाइट खाएगा, वो हम वेल बैलेंस्ड डाइट, नवीद साहब आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिए कि ये जैसे कि फरमाया रफी साहब ने कि वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो लेना है, तो कौन सा डाइट इंसान को खाना चाहिए ताकि ये जो बीमारी है अगर किसी पे असरअंदाज होगी तो वो लड़ सकता है। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इनबिल्ट होता है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमें डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती में।
खुशी सबके इस घर की बिटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। फॉर एग्जांपल अगर हम विटामिन्स ले, मिनरल्स ले, एंटीऑक्सीडेंट्स ले, तो इससे अगर किसी का इम्यून सिस्टम डिफिशियंट है तो इससे उसको बिल्डअप किया जा सकता है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये एक इनेट अंदर ही एक इंसान में ताकत होती है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कोई सा भी इन्फेक्शन हो। तो लेकिन अगर किसी में किसी विटामिन या आपके कहने का ये मकसद है कि अगर कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है, किसी में कोई और प्रॉब्लम है, तो अंदर से जो इसकी इम्यूनिटी होती है, इसको ऑलरेडी उस चीज की फाइट दूसरी चीजों से लगी होती है। अब जब उसमें असर अंदाज होता है ये 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 वायरस, तो उस वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और उस वजह से वो पेशेंट ज्यादा असरअंदाज हो सकता है। नहीं, जो ये बाकी बीमारी में मुबतला होता है, इम्यूनिटी दूसरी तरफ नहीं जाती है, लेकिन इसका जो इनबिल्ट एक, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, इट इज बाई कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो फाइट करती है इसके अगेंस्ट, या कुछ प्रोटीनेशियस एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। जी जी। तो जिसकी डेफिशिएंसी होती है, लिवर डिजीज होती है किडनी, उसमें इनका मिकदार हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कम होता है, जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शन फाइट करने की ताकत जो है वो कम होती है। अब आप दूसरी बात कह रहे थे कि एल्डरली और यंग, ऐसा जैसा आपने भी कहा कि एक कुछ लोगों की ऐसी डेथ हुई है जो यंग थे, ये नहीं है। डॉक्टर साहब भी पहले कंपैरिजन में कह रहे थे कि अगर हमारे 100 पेशेंट्स की डेथ हुई है, उसमें से करीब 80-90% ऐसे मरीज होंगे जो किसी दूसरी बीमारी में मुबतला होंगे, या जिनकी जिनका एज फैक्टर जो है वो सामने आएगा, यानी कि वो एल्डरली होंगे, 60 साल की ज्यादा उम्र। मरीज साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले पहले जब ये वायरस आ गया, वायरस आने उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी हमें इस वायरस के बारे में, ये है क्या, क्योंकि हर तरह से अगर हम देखेंगे, खौफ था, दहशत था, वायरस है क्या है, कोई किसी के सामने नहीं जाता था, कोई किसी के, मतलब बहुत ये सिचुएशन उस वक्त बहुत इतनी कठिन थी कि कोई किसी के साथ बात भी नहीं करता था। लेकिन आज सूरत हाल इसके बरक्स है। आज अगर आप आलमी लेवल पे देखते हैं और पेशेंट्स को भी आप देखते हैं, इस वक्त हमने कितनी नॉलेज गेन की है इस सिलसिले में। देखिए, ये नया वायरस है, इसके बारे में अभी रिसर्च ही चल रहा है, ये वायरस कैसे इफेक्ट करता है, इसके अगेंस्ट कौन से ड्रग्स इफेक्टिव है, या वैक्सीन कौन सा आएगा, इट इज़ ऑल अंडर रिसर्च। और जूं ही हम आगे बढ़ेंगे, हमें इस वायरस के बारे में नई नई इल्मियात होगी। पहले जैसे आप कह रहे थे कि लोग शायद समझ रहे थे कि अगर किसी को ये COVID-19 का इन्फेक्शन हो गया, ये उसके लिए डेथ सेंटेंस है, लेकिन धीरे धीरे जो जी हम आगे बढ़े, पेशेंट्स अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। नहीं, जैसे आप कर रहे हैं इलाज, आप इलाज कर रहे हैं हॉस्टल में, सबसे पहले जब आपने इलाज किया, आज आप वो तर्ज अमल नहीं अपना रहे होंगे, आज आपका तर्ज अमल डिफरेंट होगा, तो आज क्या है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि पहले पहले जैसे हमारे पेशेंट्स आ रहे थे अस्पतालों में, मोस्ट ऑफ देम वर एसिम्प्टोमेटिक। जी, तो उनको चूंकि प्रोटोकॉल था उस टाइम, गाइडलाइंस थी कि हर किसी को हॉस्टल में ही एडमिट रखना है, तो उस टाइम वो भी फिर जो पेशेंट्स वहां पर एडमिट होते थे, मेजोरिटी मैं कह रहा हूं, उनमें या तो माइल्ड सिम्टम्स थे, वो 2-4 दिन में जब भी उनकी कुछ ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता था तो वो रिकवर होते थे, लेकिन उनको एक मैंडेटरी पीरियड था अस्पताल में रहने का, वो कंप्लीट करके नेगेटिव आके हम उनको घर वापस छोड़ देते। जब लोग ऐसे वापस घरों की तरफ गए, तो एक बाकी लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया तो ये डेथ सेंटेंस एक तरीके का हो गया, और इसमें भी रिकवरी के अच्छे खासे चांसेस हैं, और कोई भी इसमें इन्फेक्शन में मुबतला हो गया वो रिकवर हो सकता है। जैसे दवाइयां आप प्रिस्क्राइब करती थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवाई, वो कहा जाता था कि इसके लिए मुफीद है, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई, वो रिजेक्ट हो गया। तो इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या है, और आप इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप वजाहत कीजिए कि क्या वाकई तौर ये रिकमेंड है, क्या वाकई तौर प्लाज्मा से पेशेंट जो हमारा है वो रिकवर हो जाता है? देखिए, मैं ये कहूँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेके आज तक प्लाज्मा थेरेपी तक, ये सब एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं। जी, अभी तक कोई ऐसी स्टडी वाजह तौर पर नहीं आई है कि जो किसी चीज को रिजेक्ट करे, या किसी चीज को कम्प्लीटली हम एक्सेप्ट करें कि ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। जी, ये सब सपोर्टिव थेरेपीज है। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इस टाइम भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गाइडलाइंस में है और यूज किया जा रहा है, लेकिन अब हमें पता है कि किस पेशेंट को इसकी कंट्राइंडिकेशन है, यानी कि किस पेशेंट में इसको अवॉइड करना है, किस पेशेंट को दे सकते हैं। चूंकि चूंकि क्या एड्स वैक्सीन इसमें इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, एड्स का तो अभी कोई वैक्सीन ही नहीं आया है, तो लेकिन नहीं, जो रेमेडीज उस सिलसिले में
अपनाई जा रही है, जैसे 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 इस वक्त जो कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जितने भी प्रिकॉशंस हैं, इस सिलसिले में जितने भी हमें मतलब एहतियात बरतनी है, हम मान लेंगे कोई पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया, पेशेंट आपने उसको हॉस्पिटल से रुखसत किया, घर चला गया, तो घर में रहने के बाद उसको खांसी 15 दिन रहती है, क्या वजूहत है? देखिए ये जो है कोविड का इन्फेक्शन जो है, जैसे आप प्रोग्राम के आगाज में आपने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी, तो जैसे कोई पेशेंट रिकवर होता है हॉस्पिटल से जाता है तो पोस्ट कोविड इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसमें से इसके सिस्टम में कुछ रेजिडुअल चीजें रहे। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड अगर उसके लॉन्ग इसको एंटीबॉडीज कहेंगे? नहीं, देखिए दो चीजें, ये अलग अलग दो चीजें, पहले आप खांसी की बात करेंगे तो पहले उसकी थोड़ा सा वजाहत करूं मैं। जैसे कोई कोविड से रिकवर हो गया, उसको बेसिकली जब कोविड का इन्फेक्शन में मुबतला था उस टाइम उसके लंग्स इन्वॉल्व हुए थे, तो लंग्स में नमूनिया था, वो हमने एक्सरे पे देखा, सीटी स्कैन पे देखा, इस सीटी स्कैन को क्लियर होने में या एक्सरे को क्लियर होने में काफी टाइम लगता है। एक तो एक रेजिडुअल जो नमूनिया होता है वो डिस्चार्ज के बाद भी रह सकता है, और लंग्स बायलैटरल हम नमूनिया कहते हैं जी। तो सेकेंड चीज अगर लंग्स की हम बात करें तो इस कोविड से रिकवर होने के बाद भी इसमें इन्फ्लेमेशन रह सकती है, एक तरह की सूजन हम जिसे कहते हैं वो रह सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कंटिन्यूअसली ये खांसी आ सकती है। कब तक आ सकती है? आपका रिस्पांस चाहेंगे हम जनाब रफी साहब। ये जो डॉक्टर साहब कर रहे थे एडी जिकिर, इसमें मैं बताऊंगा आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं। जी। पोस्ट कोविड ये जो है एक स्टडी में बताऊंगा आपको जिससे आपको अंदाजा आएगा। जी। एक स्टडी में जो पब्लिश हुए हैं उसमें 143 पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं जो पोस्ट कोविड रिकवरी में, पोस्ट कोविड उसमें उन्होंने देखा है कि 12.6% पेशेंट्स पूरा रिकवर हो रहे हैं, पूरा अच्छी तरह। 55% ऑफ पेशेंट्स को 2 or 3 सिम्टम्स उसके बाद भी रिकवर होने के बाद 26% को एक या एक और 2 सिम्टम्स होते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा सिम्टम जो है फैटीग, थकावट बहुत कॉमन सिम्टम जो कंप्लेंट करते हैं पेशेंट्स, उसके बाद काफ़ी थकावट होती है उनको, और दूसरे पेशेंट्स को घबराहट पल्पिटेशंस होते हैं। अगर वो चीज़ें अब पेशेंट्स में है, अब उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अगर आपने रुखसत किया पेशेंट को हॉस्पिटल से घर चला जी, गया। जी। घर में उसको वो मॉनिटरिंग उस तरह से खुद वो नहीं कर सकता है कि उसका पल्स जो है उसका पल्स कितना है, उसका उसकी ऑक्सीजन लेवल कितनी है, तो उस चीज के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट को, क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल हम पहले ही देखते हैं, हम ऐसा नहीं भेजेंगे पेशेंट को जो जिसकी ऑक्सीजन लेवल नहीं, नहीं, मेरे कहने का मकसद दूसरा है, वो ये है कि जब आपने रुखसत किया पेशेंट को, जब जब उसको ये प्रॉब्लम हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल चीज ऐसे पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए जी, क्योंकि विद इन 6 weeks और विद इन 1 month दीज सिम्टम्स वैनिश, ये खत्म हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को अगर मॉनिटर करना है तो एक पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं अपनी, जिसकी वजह से जो आज कॉमन दिखते हैं जो अपनी हार्ट रेट मॉनिटर कर, ये जो हार्ट रेट है ये कभी ज्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है जी, ये इनको जो है ऑटोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। नवीन साहब आप ये बात मानेंगे कि जो ऐसा पेशेंट है कि वो एक दफा रिकवर होगा उसके बाद नेगेटिव नहीं हो सकता है या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए हमने भी कुछ ऐसे केसेस देखे जो पहले पॉजिटिव थे फिर नेगेटिव हो गए और फिर से पॉजिटिव हो गए। हालांकि हमारे जैसे हमारे पास भी दो तीन पेशेंट्स ऐसे आए, तो इनमें क्या थे, पहली बार हमने देखा था कि ये मेजॉरिटी ये 2 cases 3 cases थे ये एसिम्प्टोमेटिक थे, हालांकि कोविड पॉजिटिव टेस्ट पे आए थे, लेकिन जब ये रिकवर हुए तो हम रूटीनली एक जो एंटीबॉडीज की बात आप कर रहे थे, तो हम रूटीनली जो भी हमारे पास पेशेंट एडमिट डिस्चार्ज होता है तो उसको हम 2-3 हफ्ते के बाद बुलाते हैं और उसकी एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं ये देखने के लिए कि इनमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। तो मतलब इट माइट बी अ कोइंसिडेंस, इन 3 पेशेंट्स की जिनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो इनमें ये एंटीबॉडीज जो थी ये नहीं डेवलप हुई थी, तो ये पेशेंट्स हमारे पास एक री इन्फेक्शन जिसे मैं कहूँ री इन्फेक्शन लेके आए। जैसे हमारे पास जितने भी रिकवर्ड इस वक्त पेशेंट्स हैं 27,372 हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में बता दिया, तो अभी अपने अपने घरों में है। आपने ये भी कहा कि ऐसा पेशेंट जो है अगर कोई दोबारा इफेक्ट होगा तो जरूरी नहीं है कि कोई सिम्टम होगा उनको, लेकिन वो चीज जांचने के लिए आप क्या सलाह मशवरा पेशेंट्स को दे रहे हैं
ऐसे अफराद को दे रहे हैं? नहीं नहीं, सिम्टम्स दूसरी बार लेके आए थे वो, फर्स्ट टाइम जब भी वो एडमिट हुए थे उनका टेस्ट इस वजह से हुआ था क्योंकि वो किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए थे, तब वो एसिम्टोमेटिक थे, फिर उनका मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर वो अपना काम काज कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ एक महीने डेढ़ महीने दो महीने के बाद उनके सिम्टम्स डेवलप हो गए, तो उनको रीटेस्ट करना पड़ा, तो उसकी वजह उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। लेकिन पहले जब हम पहले उनके कम देख रहे थे उनके रिपोर्ट्स, तो हमने देखा था कि उन तीनों पेशेंट्स में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई थी। नवीन साहब, चूंकि आप जो है आप इसी चीज को देखते हैं, चेस्ट के माहिर हैं, सात महीने आठ महीने बाद, क्योंकि पहले लंग इन्वॉल्व होता है इससे, आठ महीने एक साल के बाद, क्या आप ये बात मानेंगे कि पूरी तरह से ये ऐसा बीमार जो है इसको फिर मुतासिर नहीं हो सकता, या उसको फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम चाहे खांसी कुछ और नहीं हो सकता है? भाई एक तो हो गया कोविड का री इन्फेक्शन होना, वो अलग चीज है, और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होना वो अलग सी चीज है, क्योंकि हम काफी पेशेंट्स में देख रहे हैं कि आप ये बात मानेंगे कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कुछ अरसे तक रह सकते हैं, चाहे एक महीने के लिए दो महीने के लिए, उसके बाद भी रह सकते हैं? नहीं, एक तो हो गया इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे फटीग होता है, कफ होता है, ये पेशेंट्स को कुछ देर तक रहेगा और वो उससे रिकवर कर लेगा इंशाल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पेशेंट्स को कंटिन्यूसली रह सकती हैं, स्पेशली हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी छाती के अमराज में मुबतला हैं, जैसे कोई सीओपीडी पेशेंट है उसके लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं, और अगर वो कोविड 19 के इन्फेक्शन में मुबतला होता है तो इस लंग्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ये एक परमानेंट एक स्कार डालती है लंग्स पे, तो इनका इंपेयरमेंट जो है या सांस की प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट हो सकती है, और ये इफेक्ट जो है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी रह सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और अहम है, वो ये है कि जो हमारा सीजन अब आ रहा है वो मौसम सरमा आ रहा है, अब खांसी जुकाम तो मामूल है, हर जगह देखेंगे जो भी पेशेंट होगा किसी को खांसी होगी दूसरे को होगा, कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि ये वाकई तो और दूसरी खांसी है या कोविड है? देखिए कोविड का जो इन्फेक्शन है इसके सिम्टम्स जो है ये बाकी हर मरीज से हर बीमारी से ओवरलैप करते हैं जी, तो अगर कोविड का देखना है कि इसको कोविड का इन्फेक्शन है तो टेस्ट के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि फीवर कफ जुकाम खांसी सांस फूलना ये हर किसी छाती के मरीज के अलामत होते हैं, कोई भी इंफेक्शन हो वो निमोनिया हो सीओपीडी हो एलर्जी का पेशेंट हो तो ओवरलैप सिम्टम्स होते रहते हैं। और आपने ये बता दिया कि टेस्ट करना है, रफी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बीमार अस्पताल से रुखसत किया जाता है तो रुखसत करने के दौरान उसको उसका वायरल लोड जो है वायरल लोड उसका चेक किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है उसके डिस्चार्ज पे कि इसका वायरल लोड कितना है, जब वो घर जाता है उसके बाद उसको पेशेंट को तो मालूम नहीं है वायरल लोड क्या है, क्या सजेस्ट करेंगे आप ऐसे पेशेंट्स को कि जब वो घर गए, या क्या आप आगाज में वायरल लोड देखते हैं पेशेंट का, क्या उसकी मॉनिटरिंग होती है? नहीं नहीं, वायरल लोड इसका कोई हम हर एक पेशेंट का वायरल लोड नहीं देखते हैं ना लिखते हैं उसका वायरल लोड क्या है इसकी डिस्चार्ज पे क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है लिखते हैं वायरल लोड कितना था वायरल लोड क्या है ऐसा नहीं है, हम इसको लिखते हैं पेशेंट घर हो गया नेगेटिव हो गया हम उसको घर भेजते हैं और देन ही विल ही हैज टू रिमेन फॉर सम sometime in home till इसमें कुछ क्राइटेरिया है फॉर WHO क्राइटेरिया है, तीन दिन तक फीवर नहीं रहना चाहिए सिम्टम्स नहीं रहने चाहिए, दीज आर दी क्राइटेरिया देन ही कैन कम आउट ऑफ इट। प्लस इसमें 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 नॉट लेस देन 60 से कम नहीं होना चाहिए, अबो 90 ऑक्सीजन लेवल नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए हाँ होनी चाहिए। आप नवीद साहब ये बताइए कि जो ये पेशेंट है घर चले गए,
घरों में इनकी मॉनिटरिंग जो है उनको सजेस्ट क्या करेंगे आप, किस तरह से वो देखेंगे, क्या उनको घर में देख सकते हैं, क्या अस्पताल का रजू कर सकते हैं? हो सकता है किसी पेशेंट को फिर से कोई सिम्टम हो गई या किसी 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 अफराद को बता सकता है मॉनिटर करने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए बीमारों को इवन नॉर्मल जो है जो इसमें इससे इफेक्टेड भी नहीं है क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो डिस्चार्ज पॉलिसी हमारी है उसमें हम पूरी तरीके से देखते हैं कि पहले एक पेशेंट 10 दिन के बाद डिस्चार्ज होता है, सब्जेक्ट टू अगर उसका फीवर 3 दिन से नहीं आया हो, और सेकंड चीज उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो और 3 दिन कंटिन्यूसली विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट। उसके बाद उस पेशेंट को घर भेजा जाता है और उसको 7 दिन का मैंडेटरी होम आइसोलेशन कंप्लीट करना होता है, लेकिन उस टाइम उसको पूरी हिदायत दी जाती है कि वो घर में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या तदाबीर उसको लेने हैं, क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, जिसमें टेम्परेचर और ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी है। तो अगर उसको एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो या टेम्परेचर आए, तो वो इमीडिएटली अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी को। नवीन साहब हमारे पास बिल्कुल 2 मिनट है, इस वक्त टाइम कम है, लेकिन आगाज में आपने होम आइसोलेशन के बारे में बताया था, अब आपने अभी बात छेड़ी कि इनको घर में देखना है, अभी हमने पेशेंट्स को घरों में रखा है, अगर हम इस वक्त देखेंगे तकरीबन 3000 के करीब पेशेंट्स जो हमारे हैं इस वक्त वो घरों में है, होम आइसोलेशन है उनकी, तो उनकी निगहदाश्त जो है, उनकी नजर गुजर जो है कैसे हो जाती है? देखिए एक तो पहले उनको एक ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जो है, पल्स ऑक्सीमीटर उनको मैसर किया जाता है, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं अपनी ऑक्सीजन लेवल, अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, तो और उनका ऐप भी इंस्टॉल किया होना चाहिए फोन पे, जिसपे उनपे कंटिन्यूअसली निगरानी रहती है कि वो अपने एरिया से बाहर तो नहीं निकले हैं। उसके अलावा उनको पूरी गाइडलाइंस दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्पलेट। गाइडलाइंस दी जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस चीज को देखने के लिए क्या वाकई तौर एक आदमी के पास सेपरेट बाथरूम फैसिलिटी है कि नहीं है, इस चीज का रिस्पांस आपसे चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होम आइसोलेशन के हवाले से, क्योंकि होम आइसोलेशन में जरूरी है, लाजमी है कि एक आदमी को वहां पे सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। उसके बाद दूसरी एक ये चीज है कि महकमा जो है आप किस तरह से उनको मतलब मॉनिटर करते हैं कि उनकी लेवल क्या, उनकी कंडीशन कैसी है, अगर हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं मॉर्निंग में उसकी लेवल क्या थी, शाम को उसकी लेवल क्या है, क्या इसमें कोई जोनल लेवल पे ऐसा कोई कंट्रोल रूम बनाने की जरूरत है? होम आइसोलेशन एक डिफरेंट टॉपिक है जी, इसमें होम आइसोलेशन उन पेशेंट्स को क्या करें, आप होम आइसोलेशन पहले जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है उनके लिए हम ये होम आइसोलेशन लाजमी कर देते हैं। सब पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन नहीं है, होम आइसोलेशन सिर्फ जो पेशेंट्स के माइल्ड सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। माइल्ड सिम्टोमेटिक मींस उनको माइल्ड फीवर है, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है और वो उतना ज़्यादा खांसी वगैरह नहीं है, वो या ब्रेथलेसनेस उतनी ज़्यादा है, डिस्निया नहीं है जिसको हम कहते हैं, उनको उनको रिकमेंड करते हैं। और एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको कोई सिम्टम नहीं है बट समहाउ दे हैव दे आर कोविड पॉजिटिव। देखिए नवीन साहब जैसे इन्होंने अभी फरमाया, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जो घरों में आइसोलेशन में है जो पेशेंट्स हैं इनको जो मॉनिटरिंग है, इनको मॉनिटरिंग करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर जोनल लेवल पे ब्लॉक लेवल पे एक टीम हो ताकि मॉर्निंग में कॉल जाए इस पेशेंट को, शाम को दूसरी कॉल जाए ताकि उसकी सिचुएशन जो है बाज़ाब्ता रिकॉर्ड की जाए। नहीं बिल्कुल, इसमें ऑलरेडी कंट्रोल रूम बना हुआ है जो पेशेंट को एक फोन नंबर दिया जाता है कंट्रोल रूम का, अगर उसमें कोई भी अलामत बीमारी के बढ़ जाते हैं या ऑक्सीजन कंट्रोल ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इमीडिएटली उस नंबर पे कॉल करता है वो, और वहां से एक टीम चली जाती है वहां पे और उसको अस्पताल की शिफ्ट उसको मुआयना किया जाता है, अगर उसको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है तो उसको फिर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहना चाहें, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से एक बात बोलता है दूसरा दूसरी बात बोलता है, कितनी उम्मीद हम रह सकते हैं कि जल्दी आ सकता है? देखिए वैक्सीन पे तो इस टाइम रिसर्च ही जारी है, जैसा आपने भी सुना होगा कि रशिया में उन्होंने वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है, उसकी एफिकेसी कितनी है ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि एक तो हम कितने हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है वो वैक्सीन और कब तक प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज वो बना देगा, कब तक वो बॉडी में रहेगी और कब तक वो वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। आखिरी मैसेज आपका रिकवर्ड पेशेंट्स के लिए,
देखिए मैं एक बात कहूँगा कि ये रिकवर्ड के लिए भी और जो पेशेंट्स भी हैं और जो इस इन्फेक्शन में मुबतला नहीं हुए हैं कि हमारे पास इस टाइम इस बीमारी के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो जो भी है वो हमारे पास प्रिकॉशन है, जो भी एडवाइजरीज है, हेल्थ एडवाइजरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरीज, उन पे अमल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और जब बाहर जाएँ तो मास्क पहन के निकलें, तो इसी वजह से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह साहब और प्रोफेसर रफ़ी अहमद जान साहब, आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आधे घंटे से हमें देखा, आपने हमें सुना और हम उम्मीद करेंगे कि जितनी भी यहाँ पे आरा दी गई हमारे मेहमान ने, हम सब उस पर अमल करेंगे। और आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।